एवरीवन, वेलकम है आपका समद किचन में। रेस्टोरेंट में मिलने वाली मसाला सोया चाप किसे नहीं पसंद, और पसंद भी क्यों ना हो, क्योंकि ये होती है सेहत और जायके से भरपूर। वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो जल्दी से आप करिए वीडियो को लाइक और शेयर, और ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ जानने के लिए आप करिए समद किचन को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी आप जल्दी से प्रेस कर दें। और तो चलिए हम बनाते हैं आज समद किचन में सोया चाप मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल। ये लिए मैंने 250 ग्राम सोया चाप, जो कि रेडीमेड बने हुए मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और ये है एक बड़ी कटी प्याज, और ये है एक बड़ा टमाटर जिसको आप पीस लीजिए, प्योरे बना लीजिए। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये हमारे बेसिक मसाले लाल मिर्च, धनिया और हल्दी और गरम मसाला पाउडर, और साथ में क्रीम गार्निश करने के लिए। अब हम सोया चाप को काट लेते हैं। तो अब इसकी स्टिक मैंने निकाल दी, स्टिक लगी हुई आती है, और इसके थोड़े मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मैं तेल गरम करके इसको हम सोया चाप को, ये कटी हुई सोया चाप को डाल के फ्राई कर लेंगे। इसकी आँच पहले तो हम गरम आँच में तेल गरम कर लेंगे, फिर उसके बाद मीडियम आँच कर लेंगे, और इसको धीमे से तलेंगे। और इनको हमें बहुत क्रिस्पी नहीं करना है, धीरे धीरे आंच पे थोड़ा सा तलना है, जिससे ये इनकी सारी लेयर्स खुल जाएं। ये धीमे धीमे तलेगा जब, तो इसकी सारी लेयर्स खुल जाएंगी और ये अच्छी तरह से पक जाएगा, और जब हम ग्रेवी में पकाएंगे तो इसके अंदर सारा मसाला एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये देखिए, अब हमारी ये थोड़े से पक गए हैं एक तरह से तेल में, और हमको निकाल लेंगे। इनको बहुत फ्राई नहीं करना है, डार्क नहीं करना है, और अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम अपनी ग्रेवी रेडी करेंगे। तो ये तेल बहुत ज़्यादा है, तो तेल मैं निकाल देती हूँ। प्याज फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, प्याज जब हमारी थोड़ी सी ऐसी गोल्डन ब्राउन दिखने लगती है, इसका मतलब ये तल गई है। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरह से पहले पका लेंगे ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए और इसमें ये अच्छी तरह से पक जाए। मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम कर लीजिए इसको। इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। और इसमें डालेंगे नमक। और इसको पकने देंगे। इसमें डालेंगे अब अपने सूखे मसाले। मसालों को चलाते रहेंगे और मीडियम आंच पे रखेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे। भूनते रहिए, ऐसे ही लगातार चलाते रहिए इसको। अब इस मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के इसको मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट तक और भूनेंगे, जिससे इसमें हल्दी की महक निकल जाए, नहीं तो हल्दी कच्ची महकती रहती है मसाले में। अब ये हम अपनी सोया तली हुई सोया चाप डाल के इसको भी थोड़ी देर इसके साथ भून लेंगे, करीब 2 मिनट तक धीमी आंच पे, ताकि इसमें सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएं, ये अच्छी तरह से इनके साथ पक जाए। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के, करीब आधा कटोरी पानी डाल के इसको धीमी आंच पे रख देंगे और 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। अच्छी तरह से इसको मिला दीजिए, तो चारों तरफ चला दीजिए, और इसकी हीट कर देते हैं अब कम, और इसको पकने देते हैं। तो ये अब हमारी सोया चाप मसाला रेडी है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। थोड़ी सी क्रीम डाल के ऊपर से गार्निश कर लेते हैं, और इसको बहुत अच्छी लगती है ये लच्छे पराठे के साथ, रोटी के साथ, या फिर चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। जैसे मर्जी आप खाइए, और मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक और शेयर, और करिए समद किचन को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।